हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पार्ट 8 पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रा का। इससे पहले 7 लेक्चर्स में मैं ऑलमोस्ट चीज़ें एल्जेब्रा की कवर कर चुका हूं फ्रेंड्स। अगर आपने उन लेक्चर्स को अभी नहीं देखा है देन प्लीज़ उन्हें देखिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, आज जो हम लोग चीज़ें पढ़ने वाले हैं उनका काफ़ी चीज़ें मुझे अपने FB ग्रुप से पता चली कि कई चीज़ें जो हैं कि अल्जेब्रा में रिलेटेड पूछी जाती हैं और वो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं करी है, तो उनको मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे पहली चीज़ मैं कहूँ कि देखिए, एक ax² + bx + c, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जैसे पूछे जाते हैं उन पे मैंने डिस्कस नहीं किया था, तो उनको मैं यहाँ पे आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट जो होते हैं वो रूट क्या होते हैं और उसकी क्या वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालते हैं, वो चीज़ हम लोग पहले तो समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अगर मैं कहूँ कि वाई इज इक्वल टू, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो y और x एक्सिस के बीच में इसका एक ग्राफ बनता है, ठीक है। इसको मैं पहले ग्राफ के माध्यम से समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको इसको रियल लाइफ में कैसे यूज़ करें वो भी समझाऊंगा। तो देखिए, जो भी ग्राफ बनते हैं उसमें ग्राफ कैसा हो सकता है, क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए अगर मैं ये कहूँ कि देखिए d क्या होता है, इसका एक d की वैल्यू होती है, d क्या वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac, ठीक है, ये इसको d बोलते हैं। अगर ये कैसा है, ग्रेटर देन जीरो हो, अगर ये ग्रेटर देन जीरो हो तो कैसे बोलते हैं, रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे, ठीक है, ये रियल रूट्स के लिए होता है। अगर इसी डी की वैल्यू कैसी हो, इक्वल टू जीरो हो, तो उसके कैसे होते हैं, रिपीटेड रूट्स होते हैं, और या फिर इसको क्या बोलते हैं कि ये जो भी नंबर लिखा होगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, रिपीटेड रूट्स, या फिर इसको क्या बोलते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर टाइप का ये क्वाड्रेटिक होगी। और जब डी की वैल्यू कैसी होती है, लेस देन जीरो, यानी कि निगेटिव वैल्यू जब डी की आती है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी रूट्स जो है हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, अब इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे ग्राफ के माध्यम से कैसे समझते हैं। तो देखिए, एक मैं आपको पहले तो एक एग्जाम्पल के थ्रू लेता हूँ। जैसे कि आपको एक इक्वेशन हो x² + 1 है, ठीक है, तो देखिए x² + 1 में b की वैल्यू कितनी है, 0, और -4ac करूंगा तो माइनस की वैल्यू आएगी। तो x² + 1 का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। अगर x की वैल्यू मैं 0 रखूं तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 1, ठीक है। तो देखिए, ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस पे कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है, ठीक है, y पे ऊपर है, x एक्सिस पे कहीं भी टच नहीं कर रहा है। तो देखिए, जहां पर भी ये जो ग्राफ होता है, जहां जहां पर x एक्सिस को टच करता है, वो जो वैल्यूज होती हैं वो इसकी क्या हो जाती हैं, रूट होती हैं, ठीक है। अब मैं सेम चीज को कहूं कि x² की जगह पे यहां पे मैं ले लेता हूं, मान लीजिए कोई एक 2x² + 3x + 2, मैं इसके रूट्स नहीं निकाल रहा हूँ, बट मान लेते हैं कि चलिए इसके रूट्स क्या हों, +2 और +3 हों, कुछ ऐसी इक्वेशन लिखता हूँ, या इसको इसी इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ, इसको कैसे लिख देता हूँ, x-2 × x-3, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² - -5x + 6, ठीक है, ये इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ। आप इसका ग्राफ अगर नेट पे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, और वो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, आप, मैं श्योरिटी के साथ आपको कह रहा हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा कि एक पॉइंट जो है वो 2 पे कट करेगा और एक 3 पे कट करेगा, ठीक है, +2 पर और +3 पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये x² - 5x + 6 का है, तो देखिए पहले आप इक्वेशन को देखना थोड़ा सा सीख लीजिए कि जब भी ये क्वाड्रेटिक है, यानी कि x की मैक्सिमम वैल्यू कैसी है, 2 है, ठीक है, x² है मैक्सिमम वैल्यू, तो इसके 2 रूट्स मैक्सिमम पॉसिबल हैं, 3 रूट्स तो असंभव है, हो ही नहीं सकता, ठीक है। जब 2 वैल्यू है तो 2 रूट्स हो सकते हैं या फिर उससे कम होंगे। तो क्योंकि इस केस में डी की वैल्यू जो कि क्या है, b² - 4ac, तो b² कितनी है, 25 - 4ac, तो 6 × 24, तो देखिए 25 - 24 की वैल्यू कितनी है, 1, यानी कि ग्रेटर देन 0, तो इसके रियल रूट्स होंगे, यानी कि क्या, कुछ 2 वैल्यूज जो होंगी वो इसके रूट्स होंगे, और इसके 2 रूट्स कैसे हैं, +2 और -3, ठीक है। तो ये इसको मैं और कैसे बोल सकता हूं, इसको मैं ये बोल सकता हूं कि जब x की वैल्यू मैं क्या रखूंगा, -2 रखूंगा, सॉरी +2 रखूंगा, और x की वैल्यू क्या रखूंगा, +3 रखूंगा, तो ये इस इक्वेशन को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। देखिए रख के देख लेते हैं, x की वैल्यू क्या है, +2 रखिए, तो ये कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 6 और 4 10, और -5x, 5 × 2 कितना हो जाएगा, वो -10, और +10, तो ये कितना हो जाएगा, 0, और x की वैल्यू +3 रखूंगा तब भी कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 6 15, और -5x, 5 × 3 15।
तो उस केस में ये भी ये जीरो हो रहा है। तो रूट्स होते क्या हैं कि जो भी वैल्यू एक्स की आती है वो क्या होती है, उसको जब मैं इक्वेशन या क्वाड्रेटिक जो है उसमें जब मैं पुट करता हूँ तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाती है। तो जब कोई भी क्वाड्रेटिक कुछ इस तरह से लिखी जाती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसके रूट्स जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, तो वो क्या आते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये जो रूट्स होते हैं, जब ये वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा अभी, तो ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसी तरीके से रूट्स निकलते हैं, यानी कि वो कैसे होते हैं कि उनकी वैल्यू जब भी मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो जो जहां पे जीरो कर देता है उस ग्राफ को, वहीं पे वही जो है उसके रूट्स होते हैं। एक्स की जिन वैल्यूज पे ये पूरा जो फंक्शन है ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वही एक्स की वैल्यूज क्या कहलाती हैं, रूट्स कहलाती हैं। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात, ये तो तब था कि जब डी की वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। अब डी की वैल्यू जब इक्वल टू जीरो होती है, या फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, देखिए क्वेश्चन पूछता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बोलता है कि इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है ए टाइम्स एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पूछता है कि कौन सा, जो चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी किसी भी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, अगर परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो वो सिर्फ एक तभी केस होगा जब डी की वैल्यू कैसी होगी, जीरो के बराबर होगी। डी की वैल्यू क्या होगी, जीरो के बराबर, और डी होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर वो क्या होगा, वो होगा कि बी स्क्वायर की वैल्यू कैसी होगी, 4ac के बराबर। अदर चार ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac, बी स्क्वायर लेस देन 4ac, या फिर क्या होगा, पी से कुछ रिलेशन दे देगा कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ठीक है, तो ये सब में से कोई भी सही नहीं होगा। इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में, ये जो क्वाड्रेटिक है इसको परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में सिर्फ तभी डिनोट किया जा सकता है जब ये एक, जब इसका जो ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो के बराबर होगी। ठीक है, तो ये दूसरी चीज थी। तीसरी चीज क्या है कि डी की वैल्यू जब निगेटिव होती है तब उस केस में क्या है, इसके कोई भी रियल रूट्स मैं नहीं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ सकता है कि ये लिखा होगा कि 5x² प्लस 2ax प्लस 3, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए टाइम्स, या फिर यहाँ पे 5 टाइम्स होगा एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरह से लिख देगा और आपसे पूछेगा कि ए की वैल्यू बताइए। तो देखिए ये अब आपको इसमें इस टाइप के कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये चीज देखना है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ एक केस में होगा, कब, जब बी का स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4a² इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो, 4ac के बराबर। तो ए की वैल्यू कितनी है, 5 मल्टीप्लाइड विथ 4 मल्टीप्लाइड विथ सी, सी की वैल्यू कितनी, 3। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 15, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 15, या ए की वैल्यू कितनी, प्लस माइनस √15। ठीक है, तो ये चीज आप जान लीजिए कि जब भी किसी भी इक्वेशन को इस तरह से इसका यूज कर रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो उस केस में, या फिर क्या परफेक्ट स्क्वायर के केस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसको आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए। अब देखिए इस पे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रूट्स वगैरह के क्वेश्चंस में। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछ सकता है कि जैसे कि आपका, आप क्वाड्रेटिक के बजाय क्या है, क्यूबिक इक्वेशन लिखी हो, लेकिन उसमें भी आप घबराइए नहीं, आपको सिर्फ ये एक चीज पता होनी चाहिए कि जो रूट्स होते हैं उनकी वैल्यू कुछ इक्वेशन में रखने पर जो हमारी इक्वेशन होती है वो कैसी हो जाती है, जीरो के बराबर हो जाती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब इसमें पूछा गया है कि ए और बी की वैल्यू बताइए अगर x+1 और x-2 इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। ठीक है, तो देखिए ये जब रूट्स हैं तो इसका मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू -1 या फिर एक्स की वैल्यू +2 ये रखने पर मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसको या तो ऐसे बोल सकता है कि ये रूट्स हो, या फिर क्या बोलेगा कि इनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर कैसा आता है, जीरो आता है। तो उसका भी मतलब क्या होगा कि ये जो -1 है ये और एक्स की वैल्यू +2 है ये इसके क्या है, रूट्स हैं। तो अब कुछ भी नहीं करना है, आप -1 यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो -1 का क्यूब -1, और ये कितना हो जाएगा, प्लस टाइम्स ए प्लस वन, और 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, माइनस में बी -2, और -1 से ये कितना हो जाएगा, प्लस -6। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और जब +2 रखूंगा तब भी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि ये रूट्स हैं। तो 2 का क्यूब 8 प्लस ए प्लस 1 टाइम्स 2 का स्क्वायर 4
माइनस बी माइनस टू टाइम्स मल्टीप्लाइड विथ टू माइनस सिक्स, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा तो उससे ए और बी की वैल्यूज पता चल जाएंगी और वही हमारी ए और बी की वैल्यूज होंगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन जो होता है वो इक्वेशंस को, एक क्यूबिक इक्वेशन को कैसे कर सकता है, डिवीजन के क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, वो कैसे बनते हैं वो भी समझ लेते हैं। देखिए वो क्या बोलता है कि एक इक्वेशन दी है वो आपको कि एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू, ठीक है। वो क्या बोलेगा कि इसको जब डिवाइड किया जाता है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री से, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि रिमाइंडर जो बचता है वो कितना बचता है, एक्स माइनस सिक्स, ठीक है, ये रिमाइंडर बचता है। तो पूछे कि पी और क्यू की वैल्यू बताइए। तो अब जिन लोगों को डिवाइड करना नहीं आता है लीनियर सेकेंडरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, क्यूबिक इक्वेशंस में कैसे डिवाइड करते हैं वो लोग यहाँ पे सीख लीजिए। देखिए कैसे डिवाइड करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री है, इसको डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है किसको, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू, इसको डिवाइड करना है इस इक्वेशन से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब है, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो पहली बार मैं किसे, एक्स टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करके इससे घटा दूँ तो ये कितना आ जाएगा, एक्स टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, ठीक है, ये एक बार घटा दूंगा तो देखिए कितना आएगा। यहाँ पे साइंस क्योंकि घटा रहा हूँ तो सारे सिंबल्स कैसे होंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस तो ये भी कट जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो ये कितना आ जाएगा, थ्री प्लस पी टाइम्स एक्स माइनस क्यू, ठीक है। तो देखिए जब मैंने इसको, अब एक्स स्क्वायर है यहाँ पे तो एक्स है तो वन अपॉन एक्स से कभी भी यहाँ पे एक बार, और अगर मुझे ये डिवीजन करना है तो वन अपॉन एक्स का मैं यूज कभी नहीं करूंगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पर ये क्या आ गया, ये आपका आ गया शेषफल, ठीक है, क्योंकि अब मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जो मैक्सिमम पावर थी उससे छोटी पावर मुझे यहाँ पे मिल गई है। तो अब ये क्या है, यही मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर। और क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना कहा गया, एक्स माइनस सिक्स, ठीक है। तो देखिए अब इसको मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। तो कंपेयर करना भी सीख लीजिए कि एक्स का जो कोफिशियंट होगा उसको एक्स के साथ कंपेयर करते हैं और जो हमारा न्यूमरल होता है उसको न्यूमरल से कंपेयर किया जाता है। तो इससे पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए थ्री प्लस पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस टू, और क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस सिक्स है तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, छः, ठीक है। तो इस तरह से डिवीजन पे बेस्ड भी क्वेश्चंस बनते हैं, अपने इस तरह से हम लोग इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टेन के, जब इसको डिवाइड किया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस टू से, ठीक है, तो क्या बोला गया कि रिमाइंडर कितना मिलता है मुझे, इस पे रिमाइंडर मिलता है माइनस का टू एक्स, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है, के की वैल्यू आपको बतानी है कि कितनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू से मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा किसको, एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टेन के को, ठीक है। तो देखिए ये पहली बार तो यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है और मेरे पास एक्स स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स से मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस टू एक्स, ठीक है। तो अब देखिए सिंबल्स मैंने बताया कि सिंबल्स चेंज कर लेते हैं क्योंकि घटाना है, तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो एक्स क्यूब तो कट जाएगा। तो अब कितना रिमेनिंग इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टेन के, जो बाकी बची चीज है उसको वैसे ही उतार लीजिए, तो फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टेन के आ गया। अब देखिए यहाँ पे है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कितना चाहिए, फाइव एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, फाइव एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, पांच दुनी दस, ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। अब देखिए फाइव एक्स यहाँ पे सिंबल्स फिर से चेंज कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस टू एक्स माइनस टेन और प्लस टेन के। अब देखिए मेरे पास, मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अब देखिए पावर देखिए कम हो गई, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे एक्स बचा, तो अब ये मेरा रिमाइंडर हो गया, और यहाँ पर क्या बोला गया है कि रिमाइंडर कितना है, माइनस टू एक्स रिमाइंडर है, लेकिन मेरे पास तो माइनस टू एक्स तो है ही है और ये एक्स्ट्रा चीज है, तो इसका मतलब क्या होगा कि के की वैल्यू कुछ ऐसी होगी कि ये जो टर्म है ये जीरो हो जाए, तो के की वैल्यू देखिए वन रखने पर ये वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। तो इस तरह मेरा आंसर क्या हो जाएगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, ठीक है। अब इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस लेमडा, अब उसको बोल रहा है कि एक्स माइनस टू से जब डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या हो, जीरो हो,
उसके लिए लेमडा की वैल्यू आपको बतानी है क्या हो जी। तो देखिए, ये मैंने अभी आपको बताया कि अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है, अगर वो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको इज इक्वल टू जीरो पुट किए, तो जो एक्स की वैल्यूज आएंगी, जैसे कि यहाँ पे 2 आ रही है, ये 2 जो है ये इसका क्या होगा, इस इक्वेशन का भी एक रूट होगा। यानी कि 2 रखने पर ये पूरा टर्म कैसा हो जाएगा, 0। तो 2 वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो 2 का क्यूब 8 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 दुनी 10 प्लस लेमडा, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो गया, 8 4 12 माइनस 10, तो 2 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे बेस्ड थे, जिनको मैंने अभी तक नहीं एक्सप्लेन किया था। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ एक टाइप और बचे हुए हैं जिनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जैसे कि एक ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मतलब इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर आपको इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है तो फिर आपको बहुत टाइम लग सकता है। जैसे क्वेश्चन ये होता है कि एक्स की पावर 4 माइनस 17x³ प्लस 17x² माइनस 17x प्लस 17, ठीक है। अब इसको बोलता है कि अगर एक्स की वैल्यू 16 है तो इस इक्वेशन का आपको मान निकालना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन पड़ता है। बस आप क्या कीजिए, इसको 2 टर्म्स में आप तोड़ते जाइए। जो ये नंबर आपका लिखा हुआ था, दूसरा नंबर, ये हमेशा आपका क्या है, अगर यहाँ एक्स की वैल्यू 16 है तो यहाँ पे क्या होगा, 17। यानी कि ये 2 टर्म्स में ब्रेक हो जाएगा। तो इसको कैसे कर सकता हूँ, एक्स की पावर 4 माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -16x³, और यहाँ पे क्या लिखा होगा, -x³, ठीक है। मैंने इस तरह से 2 टर्म्स में ब्रेक कर लिया इसको, 16 के फॉर्म में मैं इसको ले आया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, 16, ठीक है। एक्स की वैल्यू 16 है, तो ये क्या हो जाएगा, 16 की पावर 4। और देखिए यहाँ पे इसको मैंने 16 के फॉर्म में ब्रेक कर लिया, तो ये क्या है, एक्स की वैल्यू फिर से क्या है, 16, तो 16 की पावर 3, और यहाँ पर ये एक 16 और हो गया, तो ये भी 16 की पावर 4 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना बचा, -x³ बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 17x², इसको भी मैं क्या करूंगा, 2 टर्म्स में ब्रेक कर लूंगा। इसको मैं क्या लिख लूंगा, 16x² और प्लस x², ठीक है। तो ये भी 17x² लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या आपके पास है, -x³, और यहाँ पर क्या है, प्लस में 16x², और एक्स की वैल्यू कैसी है, 16 है, तो 16 का क्यूब, और यहाँ पर भी क्या है, x² है, तो 16 का स्क्वायर, और एक 16 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, 16 का क्यूब प्लस में, और ये 16 का क्यूब माइनस में। तो ये दोनों टर्म्स भी कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर से ये -17x है, इसको भी मैं 2 टर्म्स में ब्रेक कर लूंगा, -16x और -x। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ, 16 का स्क्वायर, और ये क्या है, -16 × 16, एक्स की वैल्यू 16 है, तो ये भी कट जाएगा। अब ये क्या है, -x, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, +17, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 16, तो 17 - 16, तो इसका आंसर मेरा सीधे से कितना आ गया, +1, ठीक है। ये मेरा आंसर डायरेक्टली इस तरह से आ जाएगा। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि हमेशा आंसर +1 या -1 ही आए, आपका आंसर इसमें वेरी कर सकता है। क्वेश्चन थोड़ा सा भी चेंज होगा तो आंसर वेरी कर जाएगा, बट अगर आपने ट्रिक सीख लिया कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, तब आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया और एक्स की वैल्यू आप खुद भी गेस कर सकते हैं, अगर यहाँ 12 है तो यहाँ पे कितनी होगी, 11, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे इसको फिर से मैं ब्रेक करता चलूंगा, तो ये -12 है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, -11, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, -x⁴, ठीक है। तो अब ये पता है एक्स की पावर 5 है, और यहाँ पे 11x⁴ है, तो ये भी कट जाएगा सीधे से। ये एक्स की 11 की पावर 5 -11 की पावर 5 टाइप का बन गया। अब इसको भी मैं ब्रेक कर लूँ, तो ये क्या है, +11x³, और यहाँ पे क्या है, +x³, तो ये भी कट जाएगा सीधे सीधे। और यहाँ पे क्या है, x³, और इसको भी मैं ब्रेक कर लूँ, -11x² और -x², तो ये भी कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, -x², और यहाँ पर क्या है, प्लस का 11, इसको भी मैंने ब्रेक कर लिया 11x और x में, तो अब ये देखिए ये भी कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा, x-1, ठीक है, x-1 बचा। तो अब इसको कैसे लिखूंगा मैं, x की वैल्यू क्या है, 11, तो 11-1, इसके वैल्यू सीधे से आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। तो ये टाइप एक और जो क्वेश्चंस का पूछा जाता है, तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे ग्रुप पे, चलिए उनको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू क्या गिवन थी, 0। तो अब आपसे पूछा गया है कि बताना है आपको x² - yz +1/y² - zx +1/z² -
एक्स वाई, ठीक है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा स्ट्राइक करने पे होता है कि कितनी जल्दी आपको स्ट्राइक कर जाए। तो देखिए एक्स वाई की वैल्यू क्या है, माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो मैं सिर्फ इसको देख लेता हूँ, माइनस वाई जेड जो है इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो माइनस वाई जेड इधर आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स। तो ये कितना लिख जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, सॉरी प्लस एक्स जेड प्लस, यहाँ पे एक्स जेड और प्लस एक्स वाई, ठीक है। माइनस वाई जेड की मैंने वैल्यू निकाली हुई है, या फिर वाई जेड की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा तो माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो एक्स जेड प्लस एक्स वाई, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी माइनस वाई जेड की। तो अब देखिए इस इक्वेशन इसमें देखिए एक्स तीनों टर्म्स में है, तो मैं एक्स अगर कॉमन ले लूँ तो ये कितना बन जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो सिमिलरली इन दोनों टर्म्स में भी वही होगा, वाई कॉमन हो जाएगा तो ये भी कितना बन जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इस टर्म में भी क्या हो जाएगा, जेड कॉमन हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये वन अपॉन में लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूं कि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड पूरे से कॉमन ले लूं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो जाएगा, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। अब देखिए जब आप इसको नीचे एलसीएम लेंगे एक्स वाई जेड का, तो ऊपर क्या आएगा, वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, जीरो, तो ऊपर में जीरो आ जाएगा, तो फिर उससे किसी भी नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सीधे से जीरो आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स।